हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन रीनू की रसोई। आज मैं आपके लाई हूँ एक वेरी इजी और व्रत में खाने वाला स्नैक्स, जो है कि साबूदाना वड़ा। आप व्रत के अलावा भी इसे खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए साबूदाना, जो मैंने 1 घंटे पहले इसको भिगोया था पानी में। आप 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। साइज पे भी साबूदाना के डिपेंड करता है ये, लेकिन प्लीज बड़े साइज का साबूदाना लें और उसको 1 से 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें। इसके अलावा हमें चाहिए उबले हुए आलू। अगर आप को कोई प्रॉब्लम है, आप आलू अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप कच्चे केले भी ले सकते हैं बॉईल करके। वो भी बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ, पर ट्रेडिशनली इसमें आलू जाता है। इसके अलावा चाहिए हमें हरी मिर्च कटी हुई, धनिया कटी हुई, हरी धनिया, भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली भी ऑप्शनल है, वैसे ट्रेडिशनली मूंगफली जाता है, लेकिन अगर बहुत लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, बहुत लोग नहीं खा पाते, तो आप उसकी जगह पे कोई भी नट्स ले सकते हो, जैसे काजू ले सकते हो, या अगर काजू भी नहीं तो कोई और नट्स ले सकते हो, जैसे पम्पकिन के सीड्स हो गए, या सीड्स वगैरह भी ले सकते हैं। अगर व्रत में खा रहे हैं तो काजू या फिर मूंगफली ट्राई डालें। इसके अलावा चाहिए राइस फ्लावर और कुटी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक। अब मैं इसे बनाना सिखाऊंगी आपको। अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो हम मिक्स करेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च डाल रही है, पर कम तीखी मिर्च है। आप अपने हिसाब से डालें जितना तीखा आप खाना चाहते हैं। इसके अलावा धनिया पत्ती डाल देंगे, मूंगफली डाल देंगे इसमें ऐड करें। मूंगफली एक्चुअली साबूदाने को चिपकने से भी बचाता है और थोड़ा क्रंची टेस्ट भी आता है। राइस फ्लावर सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। अगर व्रत में खा रहे हैं और राइस नहीं खा सकते, तो राजगिरे का आटा, कुट्टू का आटा, या जो भी आप व्रत में खा सकते हो वो 1 चम्मच डाल दीजिए इसमें। अभी मैं व्रत में नहीं बना रही, इसलिए मैं राइस फ्लावर ले रही हूँ। काली मिर्च डालेंगे और नमक डालूंगी। अब जो आलू हमने लिया है वो मैं मैश कर लिया है मैंने थोड़ा, और वो इसमें डालना। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथ से मिला लें तो जैसे आटा हम लगाते हैं वैसे ही हमें डो बना लेना है, फिर उसकी टिक्की बनाकर हम तलेंगे। ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब इसे हम कटलेट की शेप, कटलेट या फिर पकौड़े की शेप में लेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ में, या फिर पानी ले लें। मैंने थोड़ा पानी लिया है। अच्छा, साबूदाना तलने के लिए जो तेल होता है वो काफी गर्म होना चाहिए। ये मैं इस तरह से बना के रख लूंगी थोड़े, और साथ में मैंने दूसरी तरफ तेल तलने के लिए तेल भी लगा लिया है, चढ़ा दिया है। आप घी में या अपनी पसंद के किसी भी तेल में तल सकते हैं। व्रत में बना रहे तो घी में बनाए, नॉर्मली कोई भी जो आप तेल यूज करते हो, रिफाइंड ऑयल तेल या फिर ऑलिव ऑयल, अगर बहुत हेल्दी खाना है तो जो भी तेल आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो बनाने के लिए। तेल काफी गर्म हो गया है, और ध्यान रखें प्लीज कि इसके लिए तेल काफी गर्म होना चाहिए, क्योंकि साबूदाना में हमें कुछ पकाना नहीं, उसे पकने में कुछ ही मिनट लगते हैं, और बाकी सब चीजें भी, आलू भी बॉइल्ड ही है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो गया, देखिए अब धुआं उठ रहा है, तो अब मैं इसमें डालूंगी तलने के लिए। इसे तलने में भी 2 से 3 मिनट ही लगता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बार इसको पलट लेते हैं हम, देखते हैं ये लाल हो रहा है कि नहीं। इसे एक बार पलट दिया मैंने, अब 2-3 मिनट और होने लगे हैं। ये हो चुका है अभी, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये काफी लाल क्रिस्पी हो गया है बिल्कुल। देखिए कितने लाल और क्रिस्पी हुए हैं, गैस कम कर दे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैंने आज हरी चटनी ली है, इसके अलावा
हरी चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट अगर आप हरी चटनी नहीं ले रहे नहीं है तो दही के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे आप कभी भी इवनिंग में बनाए, इवनिंग स्नैक्स में भी खाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। एंड प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।